इब्राहिम रईसी के बयान से मचे हड़कंप को लेकर खबर आपके सामने, क्योंकि इजराइल ने सारी सीमाएं लांघी। ये कहा गया, हम कोई भी कदम उठाने को मजबूर। इस बयान का मतलब क्या है और इस बयान के आधार पर एक सवाल भी, सवाल ये कि क्या ईरान कुछ बड़ा करने वाला है। रईसी का पूरा बयान भी आपको बता देती हूं, क्योंकि अमेरिका ने हमसे कहा कि बीच में नहीं पड़ना। इस बयान को कोट एंड कोट करते हुए आपको बड़ी बातें बता रही हूं, क्योंकि अमेरिका ने हमसे कहा कि बीच में नहीं पड़ना। अमेरिका ने हमें युद्ध में दखल देने से रोका। खुद अमेरिका इसराइल की पूरी मदद कर रहा है। इसराइल ने गाजा में रेड लाइन क्रॉस कर दी है। अब हम कोई भी कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। इसराइल पर जिस तरीके से यह बयानबाजी हो रही है, आज का एक और बड़ा बयान आपके सामने होगा। इसराइल पर एर्दोगन भी भड़क गए हैं। आत्मरक्षा के नाम पर नरसंहार बंद हो, यह बात उनकी तरफ से कही जा रही है। एक और अगली बड़ी खबर का रुख करते हुए, यह जानकारी सामने आई क्योंकि गाजा में क्रूरता, अत्याचार और बर्बरता की बात कहते हुए यह बड़ा बयान सामने आया। इसराइल पर भड़कते हुए एर्दोगन की तरफ से कहा गया, आत्मरक्षा के नाम पर नरसंहार बंद हो। अब एक और बड़ा सवाल, क्या जंग में तुर्की उतरेगा? गाजा में लगातार बिगड़ रहे हालात के बाद जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है, उसको भी हम एनालाइज करेंगे। लेकिन इस बीच यही सवाल कि क्या जंग में अब तुर्की उतरेगा, क्योंकि गाजा में इजराइल 22 दिनों से युद्ध अपराध कर रहा है, यह कहा गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि इजराइल युद्ध अपराधी है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसराइल को युद्ध अपराधी घोषित करने की तैयारी को लेकर आज खबर आई है। हालांकि हमास को आतंकी कहा तो नेतन्याहू को क्यों नहीं, यह सवाल भी उठा दिया गया है। और इंपॉर्टेंट इस बीच यह भी है कि आखिर किस तरीके से एर्दोगन ने तुर्की की विपक्षी पार्टियों से इसको लेकर यह सवाल पूछ दिया है। अब इस बीच आपको बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड राजेश कुमार सर डिफेंस एनालिसिस हमारे साथ हैं। कमर आगा सर इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। कमर आगा सर, ये बयानबाजी आखिर क्या संकेत दे रही है और इस बीच जिस तरीके से ये बयान एक एक कर अब सामने आए हैं, क्या ये साफ हो चुका है कि अब हालात और ज्यादा बिगड़ने के संकेत के तहत ही इस समय पर ये बयान सामने आ रहे? देखिए, दो कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इन देशों में पब्लिक प्रेशर बहुत है और वो चाहते हैं कि कोई सलूशन होना चाहिए। रोज़ाना डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं हर शहर में पूरे अरब क्षेत्र में। और फिर दूसरी तरफ ये भी है कि टर्की के तो बहुत अच्छे संबंध इसराइल से बहुत पहले हैं से हैं। टर्की की एम्बेसी भी है वहाँ पर, फिर इसराइली एयरफोर्स के प्लेन्स, एयरफोर्स के पायलट्स वहाँ ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं, उनके पास वहाँ का एयरबेस भी यूज़ करते हैं। वो ये प्रेशर कम करने के लिए, आम जनता का जो प्रेशर है उसको दिखा देखते हुए ये स्टेटमेंट्स उन्होंने दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि वो युद्ध में ज्वाइन करेंगे। दूसरी तरफ ईरान है, तुर्की इसराइल के खिलाफ है या नहीं ऐसे? नहीं, दूसरी तरफ ईरान है, ईरान के ऊपर सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन, इन सब का प्रेशर है कि अगर जंग में आप जाएंगे तो पूरा क्षेत्र में फैल जाएगी और उससे पूरे क्षेत्र का नुकसान होगा। दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान में अभी 30-40 साल पहले जो 10 साल 8 साल तक जो जंग चली थी इराक में, जिसमें तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे, अधिकतर ईरानियन थे, वो वहाँ की आम जनता कोई जंग चाहती नहीं है। गवर्नमेंट ज़रूर बात कर रही है, मुझे नहीं लगता कि सर ऐसे समय में ये तस्वीरें क्यों जारी कर दी जाती हैं। ये सवाल मैंने आपसे पहले इसलिए पूछा था क्योंकि अगली बड़ी खबर यही है कि जहाँ जंग के माहौल में तुर्की भी अपनी ताकत दिखा रहा है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है, तुर्की की 100वीं एनिवर्सरी पर यह वीडियो हालांकि सामने आया है। अब खुलकर इसराइल के क्या खिलाफ है तुर्की, यही इस बीच एक सबसे बड़ा सवाल था। एक मिनट, कमर आगा सर कुछ बात कह रहे हैं इसी को लेकर, उनका ऑडियो दीजिए जरा। जी सर, पहली बात तो ये कि अगर ऐसा होता तो पहले वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ब्रेक कर लेते या कुछ इस तरह का संकेत दिया नहीं। ये मेरे ख्याल है पॉस्चरिंग है, दिखाना है, प्रेशर है इसराइल के ऊपर कि आप जो इथनिक क्लिनजिंग जिसको उन्होंने कहा है कि वो बंद होनी चाहिए और वहाँ पे जो है एक टू स्टेट सोल्यूशन की जो लोग बात कर रहे हैं, सारे अरब या तुर्की भी इस बारे में बात कर रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ने का एक प्रेशर टैक्टिक्स है। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत ज़्यादा कामयाब होगी, इसलिए कि इसराइल ने जो
को पूरी सपोर्ट अमेरिका की है, उसका एक ऑब्जेक्टिव है, वो जब तक ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं करेगा तब तक जाएगा नहीं। अब आपने सर पोस्चरिंग वर्ड यूज किया है, मैं चाहूंगी इस बीच राजेश सर आप मुझे जरा इन्फॉर्मेशन वॉल पर थोड़ी देर में ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इजराइल वॉर के बीच भूमध्य सागर से बहुत बड़ी खबर आई है। अमेरिका ने यहां पर अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दिया है और पूर्वी भूमध्य सागर में की गई इस तैनाती को लेकर ही अब होगा सवाल। हालांकि ईरान के खतरे के देखते हुए अमेरिका के इस एक्शन को लेकर तमाम बड़ी खबरें सामने भी आई हैं, इसलिए सीधे इन्फॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए कुछ वीडियो इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने होंगी, क्योंकि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती को लेकर डिटेल्स जो अभी तक सामने आई हैं उसके तहत आज ये सबसे बड़े सवाल है। और मैं चाहूंगी राजेश्वर आप मुझे प्लीज यहां पर जरा ज्वाइन करें, क्योंकि सबसे बड़ी खबर ये आई है कि किस तरीके से यूएस एयरक्राफ्ट के ये कैरियर अब मोर्चे पर है, यूएसएस ड्विट डी एसन होवर की मोर्चे पर तैनाती को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। पूर्वी भूमध्य सागर में दूसरा यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर जिस तरीके से पहुंचा है ये क्या संकेत दे रहा है? ये निमित्स क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है और इंपॉर्टेंट ये भी है कि न्यूक्लियर क्षमता वाला एयरक्राफ्ट इस वक्त डिप्लॉय किया जा रहा है, क्या संकेत इसको लेकर मिल रहे हैं सर, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का मतलब क्या है? देखिए पहले तो मैं ये साफ करना चाहूंगा कि ये न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर है पर इस पे न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। Okay. तो कोई ऐसा खतरा न्यूक्लियर वॉर का अभी सामने दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी एक फोर्स है और इसके साथ जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेला नहीं जाता है, उसके साथ पूरा फ्लोटिला साथ में जाता है। और दूसरी वॉल पर भी जरा शिफ्ट करें, वो तस्वीरें दिखानी भी जरूरी है उस एयरक्राफ्ट की। कंटिन्यू सर। तो ये जो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है आप देख रहे हैं, इस पे 70 से 80 फाइटर जहाज हैं, उसके साथ हेलीकॉप्टर हैं, उसके साथ एयर AEW एयरक्राफ्ट है। Exactly. तो इन सब का जो एक कंबाइंड फोर्स, जो फोर्स एप्लीकेशन अगर हो सकता है तो वो काफी बड़ा फोर्स है, मतलब एक पूरे मिडिल साइज कंट्री के पूरे एयरफोर्स के इक्विवेलेंट एक एयरक्राफ्ट कैरियर की फोर्स है। तो आप ये सोचें कि अगर ये युद्ध फैलता है, ये सिर्फ सिग्नल है सबको कि आप युद्ध ना फैलाएं, क्योंकि अगर आप युद्ध फैलाएंगे तो हम बीच में आएंगे। हकीकत तो वही है ना सर, लगातार हो रही बमबारी को लेकर भी तस्वीरें सामने आ रही है।